नेरियोट्री सेकेंड राउंड काउंसलिंग में अपियर होने के लिए। क्यों नहीं अपियर होने दे रहा है आपको? इनिशियली जब फर्स्ट राउंड जब काउंसलिंग हुई थी उसमें मुझे प्राइवेट कॉलेज अलॉट हुआ था। नमस्ते एंड वेलकम बैक टू लॉ एंड जस्टिस। हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसे केस की बात करेंगे जो रिसेंटली एमपी हाई कोर्ट में सामने आया है। एक स्टूडेंट जो मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहती थी उसने कोर्ट का सहारा लिया है क्योंकि उसे सीट नहीं मिली। चलिए समझते हैं क्या हुआ। तो यह स्टूडेंट पहले राउंड में अपना मेडिकल कॉलेज अलॉटमेंट के लिए अप्लाई करती है लेकिन उससे उसका डिजायर्ड कॉलेज नहीं मिलता। फिर जब सेकंड राउंड आता है तो वो अप्लाई नहीं करती क्योंकि उस समय कोई गवर्नमेंट कॉलेज की सीट अवेलेबल नहीं थी। लेकिन बाद में एक नए नोटिस के बारे में पता चलता है जिसमें डीएमई ने 150 नए गवर्नमेंट सीट्स अनाउंस किए हैं। अब ये लड़की कोर्ट के पास गई है इस उम्मीद से कि कोर्ट उसकी मदद करे ताकि वो अपने डिजायर्ड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सके। Let's watch the video first, then we will talk more. Yes, आइए। Yes, कौन सा है ये? अनन्या, petition क्यों file की आपने? का second round counselling का appear होने के लिए need you थी। Application क्यों नहीं appear होने दे रहा है आपको? इनिशियली जब फर्स्ट राउंड जब काउंसलिंग हुई थी उसमें मुझे प्राइवेट कॉलेज अलॉट हुआ था अकॉर्डिंग टू द रैंक्स। उसके बाद जब सेकंड राउंड की अपग्रेडेशन की लिंक आई तो गवर्नमेंट सीट्स खत्म होने के कारण मैंने सेकंड राउंड के लिए अप्लाई नहीं करा क्योंकि चांसेस बहुत स्लिम थे, स्लिम टू नन। उसके बाद जब 7 तारीख को अपग्रेडेशन की लास्ट डेट थी, 12th सितंबर को बीएमई का नया नोटिस आया कि उन लोगों ने 150 नई सीट्स ऐड करी हैं मेडिकल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, जिसका जिसके बाद मेरे चांस। आपने एप्लीकेशन दी कि नहीं दी सेकंड राउंड में अपीयर होने के लिए? सेकंड राउंड में अपीयर होने के लिए एक्चुअली अपग्रेड। अगर आपने एप्लीकेशन ही नहीं दी तो हाउ कैन वी परमिट यू? एप्लीकेशन देने के बाद में अगर आपको रिफ्यूज करते हैं तब फिर वी कैन कंसीडर। मैंने मेल करा था इसके रिगार्डिंग डीएमई को। नहीं, वेदर यू हैव अप्लाइड, आवर पर्टिनेंट क्वेश्चन इज वेदर यू हैव अप्लाइड फॉर सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग। इन एब्सेंस ऑफ एप्लीकेशन नो रिलीफ कैन बी ग्रांटेड because you didn't choose to appear, you didn't want to appear in the second round. That cannot be a ground, you have to file an application within time. आज में naturally जब वो देखते हैं कि भाई सीट नहीं भर रही तो फिर सीट बढ़ाते हैं। देखिए ऐसा है, आपने अप्लाई किया, आपको रोक दिया किसी कारण से, नहीं अप्लाई बैठने दे रहे, तब तो फिर समझ में आता है। अदरवाइज ऐसे में तो यहाँ तो फ्लडगेट चालू हो जाएगा। हम भी सोच रहे थे कि बैठना था, हमको भूल गए, फलानी तारीख निकल गई। ऐसा नहीं होता, आफ्टर थॉट में पिटीशन एंटरटेन नहीं होती। सीट बढ़ने के बाद में द बेनिफिट विल बी गिवन ओनली दोस कैंडिडेट्स हु अप्लाई फॉर द सेकंड राउंड ऑफ नेचुरल, अदरवाइज सर वो तो प्रोसीजर है सर, वो भर्ती घटती रहेगी, बट द पर्सन हु अप्लाइड फॉर द उसके लोग अप्लाई करके रखते हैं उनको देंगे। वो हर बार ऐसा होता है कि कुछ सीटें बढ़ती है कम होता है, बढ़ा लेते हैं, उसके बाद में इनको दोबारा से एप्लीकेशन देनी चाहिए। नहीं सर, इनको तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है कि फर्स्ट राउंड में ये आए नहीं, अगर इनको इनके हिसाब का कॉलेज मिला देन दे हैव टू अप्लाई फॉर द नेक्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग, देन सेकंड थर्ड राउंड, देन मॉप अप राउंड, बट अनलेस यू अप्लाई फॉर देन यू विल नॉट गेट द बेनिफिट ऑफ। ये प्रॉब्लम है इसमें, आपने तो एप्लीकेशन ही नहीं दी, विद इन टाइम यू हैव टू फाइल द एप्लीकेशन, विड्रॉ दिस पिटीशन। देन सर कोई वो आगे डेट वेट बढ़ाते हैं तो फिर आप अप्लाई करते हैं। अगर पढ़ाई है तो नहीं, ऐसा नहीं है, रूल नहीं है वो, तो सीट उन लोग बढ़ाते हैं जब देखते हैं कि स्टूडेंट्स नहीं आ रहे हैं या ज्यादा आ गए तो बढ़ाते हैं वो एज पर रूल्स, बट दैट विल नॉट गिव यू अनदर राइट ऑफ filing an application after the time is over. ठीक है, next. तो जैसा कि आपने देखा प्रॉब्लम ये है कि अकॉर्डिंग टू रूल्स उसने सेकंड राउंड में अप्लाई नहीं किया था लेकिन वो अब सेकंड राउंड ऑफ सीट काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं है। दोस्तों ये एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। हम समझते हैं कि मेडिकल जैसे कॉम्पिटिटिव फील्ड्स में एक सीट ना मिलना कितना डिसअपॉइंटिंग हो सकता है, लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि ये अंत नहीं है,
या बस एक शुरुआत है। जिंदगी में कभी कभी हम जो चाहते हैं वो हमें तुरंत नहीं मिलता, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम हार मान लें। अगर आपको अपना डिजायर्ड कॉलेज अभी नहीं मिला तो शायद कुछ और बेहतर आपका इंतजार कर रहा हो। आपका हार्ड वर्क और डेडिकेशन कभी वेस्ट नहीं होता, इसीलिए उम्मीद मत छोड़ो। जिंदगी में हमेशा नए मौके आते हैं और जब एक दरवाजा बंद होता है तो कई नए रास्ते खुलते हैं। तो अपने सपनों को जिंदा रखो, मेहनत करते रहो और अपने आप पे भरोसा रखो। आप सभी स्टूडेंट्स के लिए यह एक लर्निंग एक्सपीरियंस है और याद रखो, यू आर स्ट्रॉन्गर एंड स्मार्टर देन यू थिंक, सो कीप गोइंग एंड वन डे यू विल डेफिनेटली रीच योर डेस्टिनेशन।